मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय कितने अधिकार हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक में, किसी को पता है? नौ अधिकार। दो ग्रंथ का प्रभाव गुरुदेव जी के ऊपर बहुत बड़ा था, समयसार और मोक्षमार्ग प्रकाशक। समय मोक्षमार्ग प्रकाशक का सातवा अधिकार पढ़ के सातवा अधिकार तो पूरा हाथ से लिख दिया था, आपको पता है? और समयसार मिला तब उनका हृदय क्या झुका उठा? आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र, समझ मारा ना? ये किसका ग्रंथ है? आचार्य कल्प पंडित टोडल मल जी द्वारा रचित ये ग्रंथ है। इतने कंफ्यूज पंडित जी, समाज की कोई भूल होती है ना तो वो कौन दूर करता है? पंडित दूर करते हैं। अब पंडितों की भूल होती है तो कौन दूर करेगा? पंडित टोरल मल जी दूर करेंगे, क्योंकि पंडित टोरल मल जी पंडितों के पंडित थे। गुरुदेव भी कौन थे? पंडितों के पंडित थे। 45 साल हमारी जो भूल रही है, आ जाओ। कितने क्लास बैठे टोटल? गुरुदेव को कहते थे, कोई कोई पॉइंट आपको अच्छे लगे वो लिखना, है ना, कि क्लास में एग्जाम में पूछा जाएगा, बराबर। गुरुदेव को कहते थे अध्यात्म मूर्ति। क्या कहते थे? गुरुदेव को उपमा क्या दी थी? अध्यात्म मूर्ति। गुरुदेव थे अध्यात्म मूर्ति। सोगानी जी को कहते थे पुरुषार्थ मूर्ति। क्या कहते थे? पूज्य बेंजी को कहते थे प्रशम मूर्ति। क्या कहते थे? प्रशम मूर्ति। पंडित टोडल मल जी को कहते थे आचार्य कल्प। आचार्य कल्प, आचार्य तो नहीं थे पर आचार्य जैसा काम किया। कुनकुन आचार्य देव को कलिकाल सर्वज्ञ, बराबर। अमृतचंद्र आचार्य ने कैसा काम किया? गणधर जैसा काम किया। और गुरुदेव ने कैसा काम किया? तीर्थंकर जैसा काम किया। समझ रहा है कि नहीं? तीर्थंकर जैसा काम किया ना, उनके निमित्त से लाखों करोड़ों जीव क्या हुए? ये मार्ग में लग गए, है ना, उनके उपदेश से। इसलिए कैसा काम किया? तीर्थंकर जैसा काम। और तीर्थंकर होने वाले है कि नहीं गुरुदेव? अमृतचंद्र आचार्य, ओके। गुरुदेव तीर्थंकर होने पता है। दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, ग्रही और अग्रही, ओके। ग्रही कैसा काम करता है लिखना, ग्रही डाकू जैसा काम करता है और अग्रही ठग जैसा काम करता है। इसमें तो कोई हंसने की बात नहीं थी। ग्रही डाकू जैसा काम करता है और अग्रही ठग जैसा काम करता है। डाकू से तो सब डर जाते हैं, है ना, छोटा बच्चा भी डाकू को देख के तो डर जाता है, क्लियर। ग्रहित व्यक्त दिखाई देता है और अग्रहित व्यक्त दिखाई नहीं देता है। पहले कौन जाता है, ग्रहित या अग्रहित? रॉन्ग, ग्रही। अभी आप नींद में हो। कौन सा जाता है पहले? ग्रहित। फिर कौन सा रहेगा? अनादिकाल से कौन सा चल रहा है?
और ग्रहित नया ग्रहण किया जाता है। क्लियर बराबर ना। अब ग्रहित माने क्या? ग्रहित माने ये पर पदार्थ में अपना अपनत्व बुद्धि है ना। कल बात ना मिथ्यात्व मिथ्यात्व और राग द्वेष। मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व के कारण जीव पर पदार्थ में अपनापन करता है बराबर, और राग द्वेष में क्या करता है वो अच्छा और बुरा मानता है। क्लियर। पहले मिथ्यात्व जाता है फिर राग द्वेष आता है। जैसे पंखा चल रहा है ना तो पंखे की स्विच बंद करते हैं तो भी घूमता है, तो भी घूमता है किसके लिए? बंद होने के लिए घूमता है। ऐसे ज्ञानी को जो रागादि परिणाम है वो सब निकलने वाले हैं, और अज्ञानी के जो रागादि परिणाम है वो अनंत संसार का कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? गुरुदेव नारियल का उदाहरण देते हैं। नारियल किसी को सुना है किसी ने? बाहर के जो रुच्छे होते हैं ना उसको कहते हैं नौ कर्म, अंदर की जो काचली होती है वो द्रव्य कर्म, छोत्रा गुजराती में होते छोत्रा बराबर ना, फिर काचली, और एक सफेद गोले के ऊपर एक लाल छाल होती है वो क्या है? क्या बेटा? भाव कर्म बराबर ना। तो तीनों से अंदर का जो दल है वो सफेद गोला है क्या है? भिन्न है। ऐसा मेरा त्रिकाली गुरु भगवान आत्मा भी द्रव्य कर्म नौ कर्म और भाव कर्म से अनंत बार दबलिंगपना तो धारण किया, घर छोड़ा पर निज घर के दर्शन नहीं किए है ना। सब कुछ किया, छह डाल में क्या कहा है? मुनि व्रत धार अनंत बार ना, अष्टपाहु में लिखा ना दंशन मूलो धम्मो, और प्रवचन साहब में क्या दिया है? चारित्रम खंडु धम्मो। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले दर्शन सम्यक होता है और फिर चारित्र की पूर्णता होती है बराबर ना। पूज्य बेंशी का एक बोल है, जैसा कारण देंगे वैसा कार्य होगा। क्या है बोल? अभी तक कारण क्या दे रहे हैं? शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ। तो कार्य क्या हो रहा है? कार्य क्या हो रहा है? कार्य क्या हो रहा है? संसार चार गति परिवर्तन। कारण देंगे शुद्ध भाव, तो कार्य क्या होगा? पंचम गति की प्राप्ति हो जाएगी बराबर के लिए। अब नौ अधिकार में इन शॉर्ट एकदम शॉर्ट में नौ अधिकार में क्या क्या दिया है बराबर। पहले अधिकार में फर्स्ट अधिकार लिखना, फर्स्ट अधिकार में पंच परमेष्ठी का स्वरूप, फर्स्ट अधिकार में पंच परमेष्ठी का स्वरूप, मंगलाचरण करने का कारण, मंगलाचरण करने का कारण, ग्रंथ की प्रामाणिकता और वक्ता श्रोता का स्वरूप। इतनी सारी चीजें पहले अधिकार में दी है। कौन बोलेगा पहले अधिकार में क्या क्या दिया है? किसी ने लिखा? हाँ पीछे पीछे आपका नाम श्रद्धा बोल। वेरी गुड सुपर बेटर। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप, दूसरे अधिकार में क्या है? संसार अवस्था का स्वरूप। कर्म और जीव की भिन्नता का स्वरूप, कर्म और जीव की भिन्नता का स्वरूप ठीक है। और नवीन बल का कारण, नवीन बल का कारण, और चौथा कर्म के निमित्त में होने वाले जीव की दशा। ये चार चीजों का वर्णन दूसरे अधिकार में दिया है। पहले क्या लिखा? पहले संसार अवस्था का स्वरूप, कर्म और जीव के बीच में निमित्त निमित्त संबंध, नवीन बल का कारण और कर्म के निमित्त में होने वाले जीव की दशा दूसरे अधिकार। तीसरे अधिकार में लिखा संसार दुख और मोक्ष सुख का वर्णन, संसार दुख और मोक्ष सुख का वर्णन ओके। ये तीसरे अधिकार में दिया है। आगे चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप, चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप। पांचवे अधिकार में अन्य मतों का निराकरण, अन्य मतों का निराकरण पांचवे में। छठे में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निषेध,
कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निषेध। क्लियर। सातवें में अब सातवें अधिकार में किसका वर्णन है? सातवें अधिकार में चार जीवों का वर्णन है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या। फिर निश्चय कौन बोलेगा? बोलिए आप, बोलो, बैठे बैठे। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, चार समझ में आ गए बराबर। अगले को आठवें अधिकार में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। आठवां अधिकार चार अनुयोग का स्वरूप। आठवें अधिकार में क्या है? चार अनुयोग का स्वरूप। और नौवें अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप। नौवें अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप। नौवें अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप। तीन बिंदु लिख लिए नौ अधिकार में क्या 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 है, लिख लिया। अब मोक्ष पूरे मोक्ष में प्रकाशक ने तीन बिंदु पर पंडित जी ने फोकस किया है। तीन बिंदु में लिखा कि सबसे पहला बिंदु सुख कहा है, सुख कहा है। अज्ञानी सुख को कहा ढूंढ रहा है, अज्ञानी सुख को, ठीक है आगे, सुख कहा है, सुख कहा है ग्रंथ, सुख कहा है, अज्ञानी सुख को कहा ढूंढ रहा है, अज्ञानी सुख को कहा ढूंढ रहा है। और तीसरा सुख प्राप्ति का उपाय, वो क्यों नहीं आई महिमा, अनिमा महिमा लगीमा महिमा नहीं आई, अच्छा चलो उपाय क्या है, सुख प्राप्ति का उपाय। तीन पॉइंट पे पूरा मोक्ष में प्रकाशक लिखा है, कौन से तीन पॉइंट कौन बताएगा, बोलो बेटर। हाँ बहुत बढ़िया, आप बोलोगे एक बार, बोलो बैठे बैठे मेरा अनाधिकाल से हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे बेटा, बाहर ढूंढ रहे हैं ना, है ना। आता ना पंडित बड़े पंडित जी की जय माला में है ना, फिरा ढूंढता सुख विषयों के पर में ढूंढ रहा है पर सुख पर में नहीं है। सुख से लबालब कौन भरा हुआ है? सुख से लबालब आत्मा, मैं स्वयं भरा हुआ हूँ। समय सार में कलश है, समय सार में एक बहुत सुंदर कलश है, सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा दो सर आत्मा, है भव्य जन इस लोक में सब एक साथ नहाइए, इसी में रम जाइए और इसी में समा जाइए, इसी में रम जाओ और इसी में समा। आपको पता है पंडित टोडल जी जब गोमन सार की टीका लिख रहे थे, क्या नाम है टीका का, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तब माता ने कितने महीने तक दाल में नमक नहीं डाला था, छह महीने के बाद क्या पूछा माता को, इसमें आज नमक नहीं डाला है, तो माता ने क्या कहा, अरे आज नहीं, मैं तो कितने 6 महीने से नहीं डाल रही, आज पता चला के पंडित जी का उपयोग शास्त्र लिखने में से बाहर है। क्लियर बराबर ना, माने कितनी एकाग्रता थी शास्त्र लिखने में भी, कितनी एकाग्रता थी। ऐसे हमारा भी उपयोग जो भी करे उसमें क्या होना चाहिए,
एकाग्रता चाहिए, जीवन में आ रहा ना, स्वभाव में एकाग्रता करेंगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति। हम मंदिर भी जाते हैं ना तो दर्शन करते हैं, तो क्रिया तो दर्शन की चल रही है और उपयोग कहाँ घूम रहा है, फ्रेंच को देखने में। हाँ मेरी फ्रेंड आई थी नहीं, हाँ वो लेट हो गई है ना, उसका मिस हो गया, तो हमारा उपयोग किस में चल रहा है, पर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, उपयोग की एकाग्रता के बिना हम अपना काम कर सकते नहीं। अब लिखना, लिखा हमने दो चीज, ग्रही और अग्रही। इसको दो में डिवाइड कर दो, स्थूल और सूक्ष्म। ग्रहित हो जाएगा स्थूल और अग्रहित हो गया सूक्ष्म। ग्रहित हो गया स्थूल और अग्रहित हो गया सूक्ष्म। अब अग्रहित में भी स्थूल और सूक्ष्म, अग्रहित में भी स्थूल और सूक्ष्म। इष्टोपदेश में कहा है ना कि बहुत कम जीव ये तत्व को सुनेंगे, उससे भी कम जीव ग्रहण करेंगे, उससे भी कम जीव क्या करेंगे, जीवन में उतारेंगे, और उससे भी कम जीव अपने आत्मा का अनुभव। समझ में आ रहा ना, सुनते तो हम सब है, सुनने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, पर सुनकर अंदर में समा जाना उसका नाम पुरुषार्थ। क्या कहा फिर से, सुनने का नाम सुनकर समा जाना उसका नाम पुरुषार्थ। स्वाध्याय कहते हैं गुरुदेव, स्वाध्याय किसके लक्ष्य से करना, बाहर प्रशंसा हो जाए इसके लिए, जगत में लोग अपनी वाह वाह करें इसके लिए, पुण्य का बंद हो जाए इसके लिए, तो किसके लिए, अपनी आत्मा को प्राप्त। मुझे तो ये भव में क्या करना है, आत्मा की प्राप्ति। पहला पॉइंट अपने एजेंडा में, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट मुझे ये भव में कुछ भी करके मुझे मेरा आत्मा प्राप्त करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, पूज्य बेंची को कितने साल के थे तब हो गया था काम, 19 साल के, कितने साल के थे, 19 साल के थे तब उनको काम हो गया था। श्रीमद जी कितने साल के थे, उनको जब काम हुआ वो कितने साल के, सम्मे दर्शन हुआ तब 24 साल के थे, कितने 24 साल के थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? माने और सोगानी जी ने तो एक गुरुदेव का प्रवचन सुना, सोगानी जी ने क्या सुना, एक प्रवचन सुना और क्या कर लिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और हम कितने साल हो गए इस देह को, हाँ तो भी अभी क्या नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति है ना। तो बोलते हैं ना गुरुदेव, कहते ना बिजली ना झपकारे दोरो पोर भी है। नहीं समझ आया, बिजली के झपकारे में क्या कर लो, सुई में धागा डाल दो, क्योंकि धागे बिना की सुई हो जाती है, और अगर धागा डाला होगा तो कहीं भी घूमेगी। अग्रहित के दो भेद, सूक्ष्म और स्थूल। अग्रहित के भी अब दो भेद, सूक्ष्म और स्थूल, बराबर। पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि करना, पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि करना, वो हो जाएगा स्थूल अग्रहित, स्थूल अग्रहित। और रागादि भाव में एकत्व बुद्धि करना, वो सूक्ष्म अग्रहित। नहीं समझ में आया, बोलो गया, बैठे बैठे बोलो। पहले डिवाइड कैसे किया, पर पदार्थ में संयोग में एकत्व बुद्धि करना वो स्थूल, बराबर। और परिण रागादि भाव में एकत्व बुद्धि करना वो सूक्ष्म हो जाएगा, क्लियर, बराबर ना। अब आप लोग लिखो, अब मैं एक उदाहरण के साथ, उदाहरण यहाँ पे दिया ना, पहले मंगलाचरण पे आओ। देखो मंगलाचरण आपके पास टेक्स्ट बुक है, हाँ मंगलाचरण खोलो। मंगलाचरण में लिखा है, इस भव तरु का मूल इक जानहु मिथ्या। सबने निकाला मंगलाचरण, इस भव तरु का मूल, भव तरु माने संसारूपी वृक्ष, संसारूपी वृक्ष का मूल क्या है, मिथ्या के भाव है, बराबर। जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निरमूल अब, ताको करी निरमूल अब माने
इसको जड़ मूल में से क्या कर दो, उखाड़ दो। नहीं मिला आप लोग को पीछे सातवा बेटा, आठवा नहीं सातवा, सातवा इस मिथ्यात्व को जड़ मूल में से निकाल दो, करिए मोक्ष उपाय। मैंने मोक्ष का उपाय क्या है, मिथ्यात्व को जड़ से दो चीज होगी ना, मोक्ष मार और मोक्ष, ये दोनों क्या है पर्याय, दोनों क्या है पर्याय। एक चीज लिखना आप लोग, एक तो आप लोग लिखना एक चार्ट बनाना, देखो तीन दशा, बाधक दशा, साधक दशा और साध्य दशा, तीन तीन दशा का वर्णन। कौन सी तीन, बाधक साधक और बराबर ना। बाधक दशा में दो परिणाम शुभ और अशुभ, कौन से दो परिणाम शुभ और अशुभ बराबर। साधक दशा में, साधक दशा में कितने परिणाम, शुभ अशुभ और शुद्ध, शुभ अशुभ और शुद्ध, क्लियर। और साध्य दशा में ओनली शुद्ध, ओनली शुद्ध परिणाम बराबर। बाधक दशा को हाँ फिर से, बाधक दशा में दो कौन कौन से, कौन बोलेगा पीछे, हाँ शुभ और अशुभ, वेरी गुड। साधक में शुभ अशुभ और शुद्ध, और साध्य में शुद्ध। प्रश्न हाँ क्या हुआ, क्यों नहीं होगा, चौथे पांचवे में होगा ना, अपने को वो गुणस्थान की अपेक्षा समझ लेने का बराबर ना। अभी तो मैंने सामान्य रूप से कह दिया, जैसे कि चौथे पांचवे में तीन हुए शुभ अशुभ शुद्ध, छठे में शुभ और शुद्ध, अशुद्ध नहीं है बराबर, और सातवें से आगे खाली शुद्ध, ठीक है ना। तो आप अपने वो अपेक्षा से, वो गुणस्थान की अपेक्षा से समझ लेना, अभी तो मैंने सामान्य बताया। और साध्य दशा में ओनली, बाधक दशा का दूसरा नाम कोई बता सकते, बाधक माने क्या, वेरी गुड। साधक माने और साध्य माने, बाधक के गुणस्थान, साधक के गुणस्थान और साध्य के गुणस्थान, तेरा चौदह और वेरी गुड, ठीक है क्लियर। अब इनको एक उदाहरण, अब मैं एक उदाहरण से क्या हुआ, ओके उदाहरण आया ना, उदाहरण उदाहरण में अपन निश्चयवासी, व्यवहारवासी और उभयवासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को समझेंगे बराबर ना। अभी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को भी समझना है बराबर, तीन तीन चार जीवों को, कौन से चार जीव, बराबर। अब एग्जाम्पल ऐसा है कि माल और पैकिंग दो चीज होती है ना, माल और पैकिंग। अब कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो माल किसके साथ होता है, पैकिंग दो काम करती है, पैकिंग दो काम, क्या काम, एक तो सुरक्षित रखती है और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देती है, दो चीज है ना, एक तो वो माल को सुरक्षित रखती है और प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। अब माल और पैकिंग, माल और पैकिंग में उदाहरण में बाद में समझाती हूँ, अभी आप लोग कितना, आत्मा में माल और पैकिंग क्या और मोक्ष मार्ग में माल और पैकिंग क्या, दो चीज में अपने को माल और पैकिंग गठित करना है, किस किस में, आत्मा में और मोक्ष मार्ग में बराबर, आत्मा में और मोक्ष। आत्मा में लिखना माल, आत्मा में माल है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, आत्मा में माल कौन है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बराबर। और पैकिंग कौन है, पैकिंग लिखना द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, पैकिंग कौन है, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। मोक्ष मार्ग में लिखना, मोक्ष मार्ग में माल क्या है, मोक्ष मार्ग में माल है शुद्ध भाव, शुद्ध भाव और पैकिंग है, पैकिंग क्या है, शुभ भाव, शुभ भाव, अशुभ नहीं शुभ भाव, 28 निर्गुण के परिणाम, अनुव्रत के परिणाम, ये सब क्या हो जाएगा पैकिंग। इतना कौन बताएगा मुझे, इतना माल और पैकिंग में, पहले आत्मा में माल क्या और पैकिंग क्या, आत्मा में माल क्या और पैकिंग क्या, आप हम्म
वेरी गुड। और मोक्ष मार्ग में माल? मोक्ष मार्ग में माल महाव्रत। वेरी गुड, बेस्ट जॉब। बराबर। अब माल और पैकिंग, अब उदाहरण है। पहले तो निश्चयाभासी जीव, निश्चयाभासी जीव तीन कॉल, चार कॉलम कर दिए, निश्चयाभासी, व्यवहारवासी, उभयवासी और सम्यक सद्गुण मिथ्यावाचक। निश्चयाभासी जीव पैकिंग को ही उड़ा देता है। किसको उड़ा देता है? पैकिंग को ही उड़ा देता है। कौन? निश्चयाभासी। बराबर। उदाहरण पहले समझो, व्यवहारवासी जीव पैकिंग को ही माल समझता है, पैकिंग को ही माल समझता है। बराबर। और उभयवासी जीव वो कहता है कि मैं दोनों की मानूंगा। दोनों की मानूंगा, माने मैं माल को भी उपादेय मानूंगा और पैकिंग को भी इक्वली उपादेय मानूंगा, दोनों को इक्वल उपादेय। समझ में आ रहा है? वो कौन? उभयवासी। क्लियर? उदाहरण में समझ में आया? निश्चयवासी ने क्या किया? पैकिंग को उड़ा दिया। निश्चयवासी ने क्या किया? निश्चयवासी ने पैकिंग को उड़ाया। व्यवहारवासी ने पैकिंग को ही माल समझा और व्यवहार उभयवासी ने दोनों को समान उपाधि। बराबर। अब लिखो, अब सिद्धांत में, अब निश्चयवासी जीव, निश्चयवासी जीव क्या करता है? आत्मा में, आत्मा में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों को उड़ा देता है। निश्चयवासी जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म को नहीं मानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पैकिंग को ही उड़ा देता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म को नहीं मानता है। ये आत्मा के संदर्भ में। अब मोक्ष मार्ग के संदर्भ में निश्चयवासी जीव शुभ भाव को उड़ा देता है। बराबर ना? दोनों में अपने को घटित करना, आत्मा और मोक्ष मार्ग। आत्मा में नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म को उड़ा देता है और मोक्ष मार्ग के संदर्भ में शुभ भाव को उड़ा देता है। अब आ जाओ व्यवहारवासी के। व्यवहारवासी जीव क्या करता है? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म को ही अपना मानता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म को ही अपना मानता है। बराबर। और मोक्ष मार्ग के संदर्भ में शुभ भाव में भी धर्म मानता है, शुभ भाव में भी धर्म मानता है, शुभ भाव में भी धर्म मानता है। क्लियर? शुभ भाव में ही धर्म मानता है। और उभयवासी, उभयवासी जीव आत्मा को भी अपना मानता है और द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म को भी अपना मानता है। दोनों दोनों, माने मैं जानने वाला भी हूं, जानने वाला भी हूं और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म वाला भी है, क्योंकि उसमें दोनों का क्या मिलेगा? कॉम्बिनेशन। समझना ना? और मोक्ष मार्ग में शुभ भाव से भी धर्म होगा और शुद्ध भाव से भी धर्म। क्लियर? शुभ भाव से भी धर्म और शुद्ध भाव से भी धर्म। ये किसकी मान्यता? उभयवासी जी की मान्यता। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि की मान्यता कैसी है? क्या सम्यक मिथ्या दृष्टि को कोई आभास है? उनको कोई आभास है तो लिखना, उनको कोई भी प्रकार का आभास नहीं है। मिथ्या दृष्टि पर कोई भी प्रकार का क्या नहीं है? आभास नहीं है। समझ में आया ना? माने उन्होंने यथार्थ तत्व निर्णय कर लिया है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ने शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से तत्वों का यथार्थ निर्णय, हित अहित का बराबर ज्ञान है ना, हे जे उपादेय का बराबर ज्ञान है कि मेरे लिए क्या हे है, क्या जे है और क्या उपाय। कौन बताएगा? सात तत्व में हे ही कौन? सात तत्व में हे ही कौन? वेरी गुड। सात तत्व में गे कौन? अजी। और सात तत्व में उपादेय कौन? जीव तत्व कैसा उपादेय? आश्रित नियोग। संबंध ज मोक्ष, संबंध ज एक देश प्रकट करने लायक और मोक्ष परम उपाय। अब ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की दशा ऐसी है कि उसको एक गे उपाध्याय का निर्णय यथार्थ हो गया। पूज्य बिंसी का बोल है ना,
वचनामृत में क्या कहते हैं वो कि जैसे मेले में कोई बच्चा घूम गया हो, सुना है, तो उसको कुछ भी पूछे, वो रो रहा है, उसको कुछ भी पूछे तुम क्यों रो रहे हो, मेरी माँ, तुम्हें कुछ चाहिए, मेरी माँ, उसके मुख पे एक ही बात है, क्या है, मेरी माँ। ऐसे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को कौन चाहिए, एक टिकाली भूत भगवान। जब ऐसी दशा हो जाती है वो जीव नियम से सम्यक जन्म मिथ्या दृष्टि जीव नियम से क्या करने वाला है, सम्यक की प्राप्ति। गुरुदेव कहते हैं एक और गाम, एक और राम, एक और मेरा भगवान आत्मा, और उसके अलावा सब कुछ किस में डाल दिया, गाम में। बोलो क्या क्या आएगा पर में, क्या क्या आएगा, कौन बताएगा, पर के खाते में क्या डालेंगे, पर के खाते में क्या क्या डालना है, जो राइट आंसर देगा पर के खाते में क्या डालेंगे। स्व के खाते में तो एक त्रिकाली भू भगवान आत्मा, पर के खाते में कोई नई लड़की, हाँ बोल बेटा, शरीर से लेके बाहर की सारी चीज पर है, बस इतना। ओ कर्म का उदय, वेरी गुड, दो चीज, कर्म का उदय, शरीर और उससे उसके अलावा और सब बाहर की चीज, इतनी और कुछ, बैठ जा, बहुत बढ़िया, और कुछ, हाँ बोलो। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या जीव, मैंने मैंने अपने को भी पर में डाल दिया सारे जीव। अच्छा तीन 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 हो गए बराबर, एक तो परद्रव्य शरीर कर्म और मेरे अलावा सारे जीव, और कुछ, बहुत बढ़िया, राग आदि परिणाम, और कुछ, शुभाशुभ भाव तो राग आदि परिणाम हो गया ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म हो गया, तीनों में हो गया, ये हो गया ना सर, हाँ बहुत बढ़िया। एक समय की निर्मल पर्याय, एक समय की निर्मल पर्याय, और कुछ, सब आ गया, गुण गुणी का ढेर, वो भी किसमें जाएगा, पर में जाएगा, ठीक है ना, इन सबको पर के खाते में डालेगा, स्व के खाते में एक त्रिकाली भू भगवान। पंडित जी ने कहा चार प्रकार की महिमा बताई है, किसी को पता है चार प्रकार की महिमा, मोक्षमार्ग प्रकाशक में चार महिमा, नहीं पता तो लिख लेना, मोह की महिमा, फिर अभाग्य की महिमा, गड़बड़ कर दी, अभाग्य की महिमा, मोह की महिमा, ग्रही नित्यत्व की महिमा, और देखो तत्व विचार की, जैसे आपका अधिकार नहीं है, तत्व विचार की महिमा, देखो तत्व विचार की महिमा, कहा है ना बात, तत्व विचार की महिमा के बिना कितने भी क्या कर ले, जीवादि की प्रतीति कर ले, है ना, शास्त्र अभ्यास कर ले और तपस्या आदि कर ले तो भी वो सम्यक्त्व का अधिकारी है। चार महिमा बताई, कौन कौन सी, कौन बता सकता है, पहले अधिकार में अभाग्य की महिमा, चौथे में मोह की महिमा, पांचवे में ग्रही मिथ्यात्व की महिमा, और सातवें में तत्व विचार की महिमा, चार महिमा कौन बताएगा, महिमा ही नहीं, चार महिमा, हाँ अब आपने जवाब दे दिया ना, आप बताओ पीछे, हाँ ग्रही की महिमा, वेरी गुड, और एक लड़की, और कौन बोलेगा, और कौन बोलेगा, आप लोग आते गुणस्थान के लिए बारिश, क्या नाम है, प्राची, यार बाप रे कितना टफ नाम है, गो तालिया।
आंखों की नींद खुल जाए इसके लिए। चलो अब लिखो नेक्स्ट, अभी आप लोग लिखो एक और आज की टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है ना। ये सातवां अधिकार, उसमें ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है कि अग्रहित का वर्णन। पक्का डन लिखो, इसमें अग्रहित का तो है ही पर इसमें ग्रहित का भी वर्णन है। क्यों क्यों? अब इसका कारण मैं बताती हूँ, तीन कारण। इसमें अग्रहित का तो वर्णन है पर ग्रहित का भी वर्णन है। कैसे कैसे बताती हूँ। ओके, पहला कारण लिखो। सबसे पहला कारण, ये भूले नहीं ग्रहण की जाती है। ये निश्चयवाची व्यवहारवाची उद्यावाची को अनाधिकार थोड़ी ना, ये नहीं ग्रहण की जाती है ना। बराबर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रही मिथ्यात्व। पहला पॉइंट लिख लिया। क्यों सोचते हो आप इतना, इतना मत सोचो आप, बोलो। ऐसे थोड़ी ना कंपल्सरी, मुख्यता से मनुष्य गति में कहा ये आभास, क्योंकि शास्त्र अभ्यास कहा है। और यहाँ पे ये पहला वाक्य अपन पढ़ेंगे अभी, ये भूले किसको होती है, शास्त्र अभ्यासियों को होती है भूले, इसलिए ये अनादिकाल की नई ग्रहण होती है। पहला पॉइंट अभी को नई ग्रहण, नॉर्मल जो मिथ्यात्व पर को अपना मानता है वो मिथ्यात्व। ये तो शास्त्र अभ्यास करके भूले ग्रहण करता है, ये शास्त्र अभ्यास करके भूले ग्रहण करता है। इसमें तीन दोष आते हैं, निश्चयवासी, व्यवहारवासी और उद्यावासी। ये सबको नहीं होते, एक इंद्रिय को होती है कि नहीं ये भूले। कैसे होगी, शास्त्र अभ्यास ही नहीं है तो निश्चयवासी, व्यवहारवासी, उद्यावासी की भूल नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं? अग्रहित है, अग्रहित है बराबर, पर ये तीन भूले नहीं है, क्योंकि ये भूले किसको होगी, जो शास्त्र अभ्यासी है उनको ही ये तीन भूल हो सकती है। समझ में आया? पहला लिखो, पहला पॉइंट नहीं नहीं कह सकते हाँ। ओके चलो लिखो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा कि जो ये भूले ग्रहित क्यों कही है, क्योंकि नहीं ग्रहण की जाती है, ठीक है। दूसरा, ये अनादिकाल का मिथ्यात्व जो है उसको पुष्ट करती है, ये भूले अनादिकाल लिखा, अनादिकाल का जो मिथ्यात्व है उसको क्या करती है, वेरी गुड, पुष्ट करती है। बराबर, क्या नाम आपका, इशिका, इशिका ऋषिका, ओके ओके ओके, मुनिराज होने वाले ऋषि, ठीक है। बराबर, पहला हो गया, पहला कारण क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आया, शिवानी बोल, बहुत बढ़िया। सेकेंड, हाँ बोलो, पुष्ट करता है। और तीसरा हसो मत, तीसरा, ये एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीवों को पाई, बराबर, ये एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीवों को पाई नहीं जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रहित भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ बोलो बेटा। अग्रहित, अग्रहित तो इसलिए कहा क्योंकि ये उल्टी मान्यता है ना, उल्टी मान्यता तो है, क्योंकि मोह तो है ना, मिथ्यात्व तो है, निश्चयवासी, व्यवहारवासी, उद्यावासी को मिथ्यात्व तो है, बराबर, और मिथ्यात्व तो है ही, प्लस शास्त्र अभ्यास करके नहीं भूले, शास्त्र अभ्यास करके, रुको, शास्त्र अभ्यास करके नहीं भूले ग्रहण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रहित। अग्रहित तो है ही, बिकॉज मिथ्यात्व तो है, प्लस शास्त्र अभ्यास करके नहीं भूले ग्रहण करता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ग्रहित कहते हैं। हाँ बराबर है, एक से असंगनी, एक से पंचेंद्रिय असंगनी तक, एक से अब पंचेंद्रिय असंगनी तक के जीव को ये नहीं होती है।
वो तो कूदे कुगुरु या तो कू, ये जीव किसकी किसकी बात है? ये इसलिए तो तीन कारण बताया, ग्रहित क्यों, ग्रहित माने वो कूदे कुगुरु पूछा करने वाला ग्रहित नहीं है। पहले बुक खोलो, बुक खोलो, बुक खोलो, पहली लाइन पढ़ो। अब पहली लाइन पढ़ो, देखो अब समझ में आ गया। अब जो जीव जैन है, क्या कहा? तो अब कूदे आया नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जैन है, किसको मानने वाला है? जैन सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु को मानने वाला है, बराबर ना? जिन आज्ञा को मानता है और उनके भी क्या रह जाता है, मिथ्या कर रह जाता है, उनका वर्णन है। किनका वर्णन है? जो जैन है और जिन आज्ञा को मानता है उनके भी क्या रह जाता है, मिथ्या कर रह जाता है, उनका यहाँ पे वर्णन है। यहाँ पे उन जीवों का वर्णन नहीं है कि जो जैन नहीं है, वो तो मिथ्या दृष्टि है ही। यहाँ तो किन की भूलें निकाली है? जो जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, सच्चे दर्शन गुरु को मानते हैं, फिर भी क्या रह गया? फिर भी देखो नीचे लिखा है, क्योंकि इस मिथ्यात्व का बैरी का अंश भी बुरा है, फिर भी मिथ्यात्व रह जाता है। इस मिथ्यात्व के नाश का उपाय पंडित टोडर मलजी ने सातवें अधिकार में बताया। क्लियर? यहाँ पे वो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने वाले उनकी बात तो की नहीं, किनकी बात है यहाँ पे? जो जैन और जैन शास्त्रों के अभ्यासी। समझ में आ रहा है कि नहीं? सूक्ष्म अंश का मिथ्यात्व भी बुरा। जैसे कहते ना, घर में बड़ा सर्प हो तो बड़ा सर्प हो तो निकाल दे, अच्छा छोटा सर्प हो तो नहीं, उसको तो रखेंगे ना, खिलाएंगे पिलाएंगे। ऐसे ही कहा यहाँ स्थूल मिथ्यात्व तो बुरा है, बाद में साथ करना, स्थूल मिथ्यात्व तो बुरा है लेकिन सूक्ष्म मिथ्यात्व भी बुरा। क्लियर? तो यहाँ पे स्थूल मिथ्यात्व नहीं, सूक्ष्म मिथ्यात्व के अंश को कैसे दूर करे उसकी चर्चा सातवें अधिकार में बताई है, बराबर के नहीं? शरीर में एकत्र बुद्धि तो अनाधिकार से चल रही है, पर उसी मिथ्या मान्यता को पुष्ट कौन करता है? ये निश्चयवादी, व्यवहारवादी और उभयवादी। समझ में आ रहा है ना? आपको बताया शरीर में कितने रोग है? एक एक रोग में 96 रोग है, एक एक रोग में 96 रोग है, और पूरे शरीर में तो वही तो पूछे कितने, लिखो 5,68,00,000, 5,68,00,000, 68 lakhs, 97,000, 97,584, 584, फिर से 5,68,00,000, 97,597, 584 रोग होते हैं। किसमें होते हैं ये? एक शरीर, और अनादिकाल से इस शरीर को ही अपना मानकर बैठे हैं, है ना? गुरुदेव कहते हैं ना कि शरीर मुझे छोड़े उसके पहले मैं शरीर को छोड़ दूं, है ना? ये मार्ग शास्त्र ज्ञान, ये मार्ग शास्त्र ज्ञान का नहीं, ये मार्ग किसका है? आत्मज्ञान का है। एक बोल गुरुदेव का याद आ रहा है, लिखना, इतना पुण्य ही मत बनना, इतना पुण्य ही मत बनना कि तत्व सब तत्व ही ना मिले, इतना क्षयोपशम ही मत बनना कि तत्व ही समझ में न आए, और इतना पुरुषार्थ ही मत बनना कि तत्व रूप ही ना परिणमित हो, बराबर ना? परिणमित ना। तीन तीन वाक्य गुरुदेव का एक बहुत सुंदर बोल है, क्या लिखता है तीन वाक्य? इतना पुण्यहीन मत बनना कि तत्व ही ना मिले, इतना क्षयोपशमहीन मत बनना कि तत्व ही समझ में न आए, और इतना पुरुषार्थहीन मत बनना कि तत्व रूपी ना परिणमे। क्लियर? कौन बोलेगा ये बोल, किसने लिखा? आप बोलो। इतना पुण्य ही न बनना कि तत्व ही न मिले, इतना क्षयोपशम ही मत बनना कि तत्व ही समझ में न आए, और इतना पुरुषार्थ ही न बनना कि तत्व ही परिणमे।
वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं? ये मार्ग शास्त्र ज्ञान का नहीं है, मार्ग किसका है? आत्मज्ञान का है। मैंने कुछ भी करके समय से मैं कहना मर बच के भी क्या कर लेना, अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है। इस भव में सबसे मुख्य काम क्या है? मुझे मेरे शुद्धात्मा की प्राप्ति। और शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो, इसका उपाय ये साक्षी अधिकार में बताया है। आज का ये पूरा समझ में आया आप लोग को? बराबर के नहीं, चार प्रकार के जीव को उदाहरण किसका उदाहरण दिया? पैकिंग और माल। वेरी गुड, पैकिंग और माल को उदाहरण से हमने समझा। मिथ्या तो दो प्रकार का, उसको दूसरे शब्द में स्थूल और सूक्ष्म। क्लियर, बराबर ना? और इस अधिकार में ग्रहित की बात है कि अग्रहित? दोनों। वेरी गुड, अग्रहित तो है पर ग्रहित भी क्यों? पहला कारण नहीं भूले ग्रहण करता है, दूसरा वेरी गुड अनाधिकार की मिथ्या को पुष्ट करता है, तीसरा एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को ये भूल पाई। क्लियर, बराबर ना? कल हम निश्चयवादी का स्वरूप चालू करेंगे, हमको भी सभ्य दर्शन की प्राप्ति हो और अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ जीवांश की।